और चेकआउट करके जो है हम लोग निकल रहे हैं मुन्नार की तरफ। 220 रुपए में केले के पत्ते पर यह सब कुछ मिलेगा खाना, सात तरह का तो यहाँ पर सब्जी और चटनी मिला करके है। यहाँ से हमें लेना है फल अरम्बूटा। बीच रास्ते में रुक गए हैं जिसका नाम है चेरापारा वाटरफॉल। देख सकते हैं जी कितने ऊंचे से आ रहा है। सामने से तो देख रही थी, इतना खूबसूरत लग रहा था। और हम लोग खड़े हैं जी एक बेहतरीन से जगह पर। मजा आ रहा है। उधर नजारा देखिए जी, क्या जबरदस्त नजारा है। लोग लेते हैं यह रिसोर्ट, और यहाँ जो रिसोर्ट है जी सच में जी लग रहा है खूबसूरत। यह ओ भाई साहब, बाहर का सीन देखो यहाँ से। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो जी फिलहाल हम लोग हैं कोचीन में। जी हाँ, जैसा कि आपने देखा होगा कल हम लोग कोचीन एयरपोर्ट पहुंच गए थे। कल मतलब बात कर रहे हैं जिन्होंने भी हमारा पिछला ब्लॉग देखा होगा। तो हम लोग हैं कोचीन के एयरपोर्ट में, और यहाँ पर देख सकते हैं जी सारा सामान सब पूरा बिखरा हुआ है, और क्रियांश जो है अपना यहाँ पर खेलने में लग चुका है। जय क्रियांश बोल रहा है, जय हो जे। बाहर का नजारा कुछ ऐसा है यहाँ से, और हम लोग जो है यहाँ से निकलने वाले हैं अब सीधा मुन्नार। तो मुन्नार के लिए जो है यहाँ पर देख रहे थे कि क्या किया जाए, तो टैक्सी का रेट देख रहे थे। होटल वालों से बात किया तो उन्होंने कहा कि 4500। जाहिर सी बात है कि होटल वालों का कमीशन भी इसमें अपना इंक्लूड होता है। तो हमने जो है क्या क्या नेट पर पता किया, तो किसी जगह 3800 बोले, कोई कहीं बोले, तो बहुत जगह बात करने के बाद लगा कि रेट जो है 3500 सबसे सही है। तो एक भाई साहब से बात पक्की हो गई है, और वो जैसे ही आएंगे फिर हम लोग निकलेंगे। लगभग एक घंटे का हमारे हाथ में समय है, और हम लोग जहाँ पर जाने वाले हैं एक रिसोर्ट बुक किया, वो रिसोर्ट भी बड़ा मस्त लगा था। और वहाँ पर जाकर के देखेंगे कि जैसा फोटो में देखा, जैसा वीडियो देखा, सही में वैसा रिसोर्ट है कि नहीं। वो जैसा कि आप सभी जानते हैं जी, हम जहाँ भी जाते हैं आपको सब कुछ डिटेल में बताते हैं। तो चलिए इस होटल के बारे में भी बता देते हैं। इस होटल का नाम है ब्लू बेल एयरपोर्ट होटल, जो कि एयरपोर्ट से मुश्किल से 1200 मीटर के ऊपर है। 1200 मीटर दिखाया था गूगल में, लेकिन 1200 मीटर नहीं था, वह था 2700 मीटर हाँ, जब आना शुरू किए। और 350 रुपया में जो है हम लोगों को यहाँ पर लेकर के आ गया। और आप लोग जो है एयरपोर्ट पर जो है टैक्सी जैसे बुक करेंगे इतना नजदीक का, तो 540 मिनिमम फेयर है। तो इसलिए हमने जो है इनका जो शटल ट्रांसफर होता है वही ले लिया था। तो अब जो है आपको यहाँ का टूर करा देते हैं। तो देख सकते हैं यह एक रूम है, डिसेंट सा रूम है, अभी थोड़ा बिखरा हुआ है तो आपको थोड़ा उतना अच्छा नहीं लग रहा होगा दिखने में। टीवी दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, एक लगभग जो भी एक बेसिक फैसिलिटी सब होता है। देख सकते हैं वाटर हीटर दिया, सबसे ज्यादा जो जरूरत था जी हमें इसी का था। हमने जो है प्रियांश का बोतल भी इसमें हीट कर लिया, और पानी भी सारा गर्म करके इसमें रख लिया है। और इसके अलावा हमने जो है कप नूडल्स ले लिया था, बहुत कम दिया। कल हमने फ्लाइट में भी खाया और अच्छा खासा पैसा बचा। ट्रेन में भी खाए तब, हम लोगों का जो है पैसा अच्छा खासा खाने का इसकी वजह से बच गया। सोच रहे हैं कि रास्ते में मिलेगा तो और भी ले लेंगे या नहीं। बहुत सारा जरूरत नहीं है जरूरत। हाँ हाँ, तो यहाँ रूम दिखा दिया जी, और स्टोरेज देख सकते हैं, यहाँ पर सामान सब रखने का दिया हुआ है। रूम छोटा है लेकिन एक बात है कि अच्छा है, अपना एयरपोर्ट के नजदीक में हो जाता है आपका। और ये रहा जी आपका बाथरूम, बाथरूम भी लगभग डिसेंट जैसा ही है। तो देख सकते हैं साफ सफाई है, एक चीज देखा हमने, साफ सफाई यहाँ के होटल में मिला हुआ है। और बाकी होटल का जो है यह सब किट सब जो होता है, साबुन शैम्पू ब्रश सब कुछ दिया हुआ है, ये सब चीज उठा के लेके जा सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे क्रियांश रेडी हो चुका है, दिखा अपना ड्रेस दिखा, इशू ऑन कर रहा है। तो फाइनली हम लोग जो है होटल से चेकआउट कर दिए हैं, और चेकआउट करके जो है हम लोग निकल रहे हैं मुन्नार की तरफ। और बीच में भाई साहब बता रहे हैं कि कुछ कुछ स्पॉट आएगा जहाँ पर हम लोग घूम सकते हैं। वाटरफॉल अथीरापल्ली बीच में आता है कि अलग रूट है उसका? अथीरापल्ली अलग रूट है। ओके ओके, अथीरापल्ली का यहाँ से 60 किलोमीटर है, डिफरेंट रूट हो गया, तो वो दूसरा रूट है। और बीच में जो भी और सब वाटरफॉल आएगा तो वो सब चीज हम लोग देखेंगे। और यहाँ का होटल का जो चेक इन टाइम है वह लगभग 2 बजे के करीब है, तो लेकिन आराम से ही जाएंगे, वहाँ पे जरूरी नहीं है कि 2 बजे ही चेक इन कर लेना है, शाम में ही जाएंगे, घूमते फिरते हुए जाएंगे। आप निकले ही हैं घूमने के लिए तो घूमेंगे। एंजॉय कर लीजिए सबको। ओए क्रियांश, ओए क्रियांश नहीं करेगा, नहीं करेगा, जय करो, जय 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 क्रियांश। मूड पे है, तब से घुसा है तो जय 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 कर रहा। तो फिलहाल हम रुक गए हैं जी एक रेस्टोरेंट में, यहाँ पर अपना कुछ जो है खाना खा लेते हैं। और क्योंकि अभी सावन का महीना चल रहा है तो कुछ भी नॉनवेज खाना नहीं, वैसे भी हम नॉनवेज नहीं खाते हैं, जिया सब खाती है। यहाँ पर रुक गए हैं, और यह जो रेस्टोरेंट है जी यह है प्योर वेज। तो अंदर चलते हैं और जो ट्रेडिशनल केरला का कुछ है तो वहाँ खाते हैं जा करके। तो जिया और क्रियांश यहाँ पर पहले से ऑर्डर कर दिया है हमने। हमने जो ऑर्डर किया है वह किया है जी यह वाला, 220 रुपये में केले के पत्ते पर यह सब कुछ मिलेगा खाना। यहाँ का एकदम ट्रेडिशनल, बिल्कुल यहाँ का एकदम पारंपरिक भोजन करना है,
ठीक है। और यहाँ का मेन्यू देख सकते हैं, बाकी बहुत सारा चीज़ है, डोसा है और बाकी सब कुछ भी है। बिल्कुल ये चीज़ें बस यहाँ पर मिलेगी, तो ये खा लेते हैं। वाह केला भी है, वाह। तो यहाँ पर जी हमारा खाना आ चुका है, तो देख सकते हैं जी बहुत तरह का वैरायटी है, 1 2 3 4 5 6 7 तरह का तो यहाँ पर सब्जी और चटनी मिला करके है। और ये है बनाना चिप्स और साथ में यहाँ पर है चावल और यहाँ पर है पापड़, ये सब आ गया। वही क्रियांश क्या देख रहा है, सारा खाना है क्या करके? हाँ उठा लेना है इसको। ये रहा कैबेज, ये मिक्स वेज, ये मिक्स वेज पम्पकिन, पम्पकिन ओके ओके, एंड पाइनएप्पल, पाइनएप्पल एंड दिस वन का बीटरूट, बीटरूट ओके ओके, और जिंजर, जिंजर ओके, मैंगो, ये मैंगो, नो दिस मैंगो, ये मैंगो ओके, ये बनाना चिप्स, बनाना चिप्स है, बनाना पापड़, पापड़ ओके ओके। तो यहाँ का पापड़ देख सकते हैं जी, यह है कुछ पूरी के तरह का, ये सब बता दिया ना सब कुछ। रसम करी, सांभर रसम करी ओके, मुझे तो लग रहा था कि आखिर क्या क्या है, लेकिन लगभग सब कुछ जाना पहचाना हुआ है, अलग अलग लग रहा था। हमारा खाना हो गया और अब हम जो है ड्यूटी पर लगे हुए हैं, ये क्रियांश की ड्यूटी पर आए हैं, है। एक कोई खाता है एक ड्यूटी पर लगा रहता है, तो पहले जिया पकड़ के रखी थी, तब तक हम अपना खाना खत्म किए, फिर जिया अपना अब खाना खा रही है। A few moments later. हम लोगों का तो भोजन पानी हो गया जी, और अब जो है निकलेंगे हम लोग उसी देर में, और जैसे ही निकले यहाँ पर बारिश होने लग गई, अब तो चलिए बारिश छूट गई है तो अच्छा लग रहा है। और अभी हम खड़े हैं जिस पेड़ के नीचे, पत्ता कितना चौड़ा चौड़ा है इसका, और गाड़ी को जो है बिल्कुल भीगने नहीं दिया इस बारिश में। तो हम लोग खा करके निकल चुके हैं और अब जा रहे हैं स्कूल बुलाना है। अच्छा स्कूल है ये, ओके ओके ओके। तो हम लोग इस रास्ते से गुजर रहे हैं, काफी अच्छा अच्छा व्यू मिलते जा रहा है हम लोगों को, और मेन व्यू तो आगे होगा कुछ सिटी एरिया से, तब थोड़ा आगे निकलेंगे, है ना भैया? ये विलेज हो गया, ओके ओके। तो एक चीज मुझे काफी अच्छा लगा जी यहाँ का, जो कि मुझे अभी बातचीत करते करते मालूम चला, वहाँ पर एक पैनिक बटन दिया हुआ है, बिल्कुल क्रियांश दबा रहा था और भैया ने कहा कि उसे नहीं दबाना है वरना मैसेज चले जाएगा। और यहाँ जो एक पैनिक बटन है, और भैया बता रहे हैं कि यह कंपलसरी है हर एक गाड़ी में लगाना, इसको दबाते ही मैसेज चला जाएगा पुलिस के पास भी लोकल, ऐसा है क्या कुछ? आरटीओ के पास इसमें जाएगा, आरटीओ है ना? अच्छा अच्छा, आरटीओ के पास चला जाएगा व्हीकल डिपार्टमेंट, ओके ओके। इसमें जीपीएस भी लगा रहता है क्या? जीपीएस है, जिससे उनको पता चल जाएगा गाड़ी वहाँ पर है। वाह बढ़िया है, ये सेफ्टी के लिए काफी अच्छा चीज है। क्या प्रॉब्लम है? अच्छा चलिए अच्छा है, मतलब टूरिस्ट के सेफ्टी के लिए कर रखा है गवर्नमेंट ने। टैक्सी व्हीकल में रहेगा, टैक्सी व्हीकल में रहता है ओके। तो भैया रोक दिए हैं एक जगह, यहाँ से हमें लेना है फल, रुक जा निकलते हैं। रंबूटा कैसे है भैया? हाँ जी कैसे है? ये रंबूटा, रंबूटा ओके। और वो येलो येलो कलर होता है। अच्छा टेस्ट दोनों का? दोनों डिफरेंट डिफरेंट होता है ना। भैया ने पता, ये अच्छा तरीका, वो भैया ने पता, भैया ने हेल्प कर रहे हैं। हाँ जी ये हेल्प कर रहे हैं। हाँ जी तो अच्छा बंदा ऐसा ऐसा आपको लोगों को हेल्प करता है, क्यों? अपना देश ऐसे होता है, केरला ऐसा होता है, बाहर से का आदमी होता है उसका कितना सेवा करता है हम करता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए देखो, इसके लिए हर दुनिया में हमारा केरला वाला पहुंचते है। अच्छा बिल्कुल चलिए सही है। कैसे है ये? आप खाओ, ऐसा वाला नंबर वन क्वालिटी आपको किधर भी नहीं मिलेगा, इसका बोलते हैं N80 किधर भी नहीं मिलेगा, ये अपना अपना खेत में, बस अपने खेत में मिलेगा, दूसरा किधर भी आपको नहीं मिलेगा। तो इसके अंदर है जी एक लीची जैसा कुछ, और सच में लीची जैसा ही स्वाद, एक तरह से कह सकते हैं लीची है ये। तो पूरा छीलना होता है क्या? पूरा छील के खाना होता है, ऐसे निकलेगा, ऐसे ही निकलेगा। अच्छा प्रेस करना है नीचे, वो स्वाद हो, थोड़ा मेरे को भी खिलाओ भैया। बिल्कुल खिलाऊंगा भैया। लीची है नंबर वन है, किधर भी नहीं मिलेगा। लीची टेस्ट किया है ना आपने जी? लीची के नहीं, लीची नहीं, लीची नहीं है, लेकिन लीची से मीठा ज्यादा। मैं चौसा ही कर रहा है, मैं लीची उतरती हुआ ठीक। और यहाँ क्रियांश भी खा रहा है यहाँ, सब देखे तो 130 हो गया। अच्छा 100 रुपए का मैं कर दिया। चलो भाई थैंक यू, थैंक यू भैया। और इसी भैया बता रहे हैं यह है क्या ट्रॉपिकाना, इसका भी जूस बनता है ना? नहीं नहीं जूस नहीं मिलते। अच्छा पोटैटो चिप्स है ना, इसे कट करते हैं, वो भी सेम चिप्स बनाते हैं। ओके ओके, ट्रॉपिकाना नाम सुना हुआ है मैंने।
वापस आने के टाइम को लेके आना घर पे है ना, 10 दिन आप रखे तो घर पे आके 10 दिन रखे तो भी खराब नहीं होता। अच्छा नहीं होगा खराब 10 दिन तक? चलिए मैं लेके जाऊंगा एयरपोर्ट में, बस ले जाने दे मुझे, कोई तकलीफ नहीं भाई। क्या भाई कोई दिक्कत नहीं करेगा एयरपोर्ट पे, सब लेके चले जाएंगे आप लोग। इधर कितना आदमी लोग लेके गल्फ में लेके जाते हैं। अच्छा नहीं ठीक है तब ले लेंगे। ओ कुवैती लोग नहीं तो सऊदी लोग आते हैं 5 किलो 10 किलो इधर से भर के भर के ले जाते हैं पीस में बना के लेके। हम भी अच्छे से 5 किलो लेके जाएंगे। बाय बाय कर दे एक बार। बाय बाय अभी खाने में लगा है ये, खाने में लगा हुआ है। तो हम लोग यहाँ से निकल पड़े हैं जी, और सामने देख सकते हैं वैली सब दिखना स्टार्ट हो गया है। ओए और हम लोगों ने जो 1 किलो लगभग ये ले लिया है, और क्रियांश भी जो है मजे में खाया है इसको, अच्छा लग रहा था, सोच रहे जाते समय ले लेंगे। तो हम लोग जी पेरियार नदी को जो है क्रॉस कर चुके हैं, और यहाँ से जो है पूरा जंगल का इलाका जो है शुरू हो रहा है, और कोशिश करेंगे कि यहाँ पर कहीं पर रुक करके ड्रोन व्यू सब ले सके। और सोचे थे कि वहाँ जो रिवर था पेरियार रिवर के ऊपर ब्रिज, वहाँ पर हम जो है एक ड्रोन शॉट ले, लेकिन इतनी तेज बारिश हो रही है बाहर जिसकी वजह से जो है हम अभी नहीं ले पा रहे। कोई बात नहीं जी, यहाँ मौसम है पहाड़ है, कहीं पर ऊपर रहेगा कहीं पर नीचे रहेगा मौसम, जहाँ अच्छा दिखेगा जैसे अभी साफ दिख रहा है तो आगे कहीं वैली में दिखेगा रोक के ड्रोन शॉट जरूर लेंगे वहाँ। तो जिस पैनिक बटन को हम लोग बचाने की कोशिश कर रहे थे, क्रियांश ने जो है वहाँ पर हाथ लगा ही दिया, और कब वहाँ पहुँच गया पता ही नहीं चला, इतना तेज वो उठा और सीधा दबा दिया वो। सोच रहा है घर का जो है ना वो नहीं होता स्विच, घर का स्विच, घर में जितना स्विच रहता है क्रियांश सभी को दबाता है, और यहाँ कर दिया, और भैया को जो है करे मैसेज भी आएगा। 20 minutes later तो हम लोग जो है यहाँ पर एक बीच रास्ते में रुक गए हैं जिसका नाम है चेरापारा वाटरफॉल। तो हम लोग चलते हैं वहाँ पर, चले वाटरफॉल आपको दिखाते हैं नजदीक से। सोया हुआ है, हम लोग नहीं चलेंगे, और यहाँ सोया हुआ नहीं था बिल्कुल, हम लोग तो बाहर से ही वीडियो लेकर के सोच रहे थे चले जाए बस। बात है इनका बेटा तो शांत अभी लेटा हुआ था ना, इनको लगा सोया हुआ बिल्कुल। तो अब चलते हैं, जब क्रियांश जगह ही हुआ है तो मजे में घुमा जाए। ये रहा जी वहाँ वाटरफॉल जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, देख सकते हैं जी कितने ऊंचे से आ रहा है, अच्छा खासा दूरी से आ रहा है यार। और चलते हैं इधर, ये देख सकते हैं। पिछला वाला तो वाटरफॉल हमने घूम लिया जी, जिसका नाम था चेरापुरी वाटरफॉल। आप लोगों ने देखा सामने से जो देख रहे थी इतना खूबसूरत लग रहा था, पता नहीं कैमरा में कैसा आया होगा, बाकी ड्रोन से भी हमने व्यू लिया है, तो ड्रोन का आप लोग बताइएगा कि शॉट कैसा लगा। उसके बाद जो है थोड़ी दूर वहां से आगे चलकर 100 से 300 मीटर के करीब सब होगा, तो यहां पर आ गए, और यहां पर भी एक वाटरफॉल है देख सकते हैं पीछे, वैसा तो नहीं है लेकिन फिर भी यहां पर रुकना बनता है। और कुछ हम लोगों ने जो है खरीद लिया, जैसे हेड खरीद लिया अपना, ये खरीद लिया तो ताकि फोटो जो है कुछ अच्छा अच्छा आएगा। तो ऐसा करते हैं यहां पर देख रहे हैं अनानास सब बिक रहा है, तो पाइन एप्पल सब ले लेते हैं, और कच्चा मैंगो होगा तो वो भी ले लेंगे। हम लोग जी होटल पहुंचने ही वाले हैं कुछ देर में, और यहाँ पर हवा जो चल रही है इतनी तेज हवा चल रही है पीछे पर, और हम लोग खड़े हैं जी एक बेहतरीन से जगह पर, देखते हैं यहाँ डैम का है रिजर्वियर, और यहाँ डैम का जो है रिजर्व पानी जो होता है वही है। ओए ओए मजा आ रहा है। तो हम लोग आ गए जी, देख सकते हैं उधर नजारा, देखिए जी क्या जबरदस्त नजारा है। ओहो भाई साहब मजा आ गया। तो हम लोग वहाँ पर वीडियो ले लिया अच्छा खासा, और इतनी तेज ठंड लग रही थी वहाँ पर, और बारिश होने लग गई तो क्रियांश एंजॉय कर रहा था। और जब से क्रियांश वहाँ से आया है तब से क्रियांश एकदम मजे में है, और हम लोगों का जो इधर आ गया है होटल, लोग जो है कुछ देर में वहाँ पर पहुँच जाएंगे। यहाँ जो लोकेशन है जी थोड़ा सा जो मेन सिटी है उससे थोड़ा सा हटके है, लेकिन सही है जी, एक दिन के लिए आ रहे हैं फैमिली के साथ और चाहते हैं एंजॉय करना तो आ सकते हैं यहाँ पर। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं जी होटल के पास, और अब सीधा यहाँ से चलते हैं अंदर, और यहाँ पर मौसम बहुत ठंड है, चलते हैं जी यहाँ से अंदर। कहाँ बैठने के देख लो। तो होटल में स्वागत हुआ है जी, यह वेलकम ड्रिंक से, और वेलकम ड्रिंक में यह है लेमन टी लग रहा है सर, तो अच्छा है, ठंड भी बहुत है। आगे लोग लेते हैं रिसोर्ट कि यहाँ से जो है हम लोगों को स्विमिंग पूल मिलेगा और इन्फिनिटी पूल मिलेगा, लेकिन ऐसे मौसम में कौन स्विमिंग पूल जाएगा। ओ भाई साहब, तो हम लोग चल रहे हैं यहाँ से ऊपर, और चलो चलो, और यहाँ जो रिसोर्ट है जी सच में जी लग रहा है खूबसूरत, यह जैसा देखा था नेट पर अभी तक तो वैसा ही दिख रहा है, बाकी आगे कैसा एक्सपीरियंस रहता है आपको बताते हैं। तो यहाँ से चल रहे हैं हम लोग। अच्छा।
तो हम लोग चल रहे हैं जी अपने रूम में। चलो चलो जिया, बारिश हो रही है। अच्छा है तो जिया दिखा, ये रहा इन्फिनिटी पूल। ओ भाई साहब, बाहर का सीन देखो यहाँ से। आएंगे ही।